ओके नाजरीन, आज फिर हम सीख रहे हैं ईद के दूसरे दिन पे आइटम सोल्ड एंड परचेज शीट कैसे बनाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। अब जो इसका अगर फॉर्मेट मुझे ख़त्म करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से कहेंगे क्लियर फॉर्मेट, तो इसका फॉर्मेट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर हम अंडू करते हैं यहाँ से और कहते हैं क्लियर ऑल, तो फॉर्मेट भी क्लियर हो जाएगा और डेटा भी क्लियर हो जाएगा अंडू। और अगर हम यहाँ से कहते हैं जाके क्लियर कॉन्टेंट्स, तो सिर्फ 15 का डेटा ख़त्म होगा, फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा। तो अभी हमने इसको क्लियर ऑल नहीं करना, बल्कि मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्लियर फॉर्मेट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंपाइल्ड, कंपनी और शॉप नेम आपने यहाँ लिखना है, आइटम सोल्ड एंड परचेज शीट यहाँ लिखना है, रिपोर्ट और रिपोर्ट के नीचे एक लाइन छोड़ के सीरियल नंबर, डेट, आइटम नेम, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, और यहाँ से लेना है टोटल सोल्ड पर आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस, होल आइटम प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे इस तरह से ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको ऐसे रख लेना है और यहाँ से सेलेक्ट करके आखिरी उस तक कॉलम पे सेलेक्ट करके मर्जन सेंटर कर देना है, सेल स्टाइल्स में जाके इसको कन्वर्ट कर देना है टाइटल के अंदर। तो सेल स्टाइल्स हमें यहाँ मिलेगा, टाइटल पे क्लिक कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और उसको यहाँ से राइट अलाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आइटम परचेज शॉर्ट, उसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से मर्जन सेंटर कर देना है, सेल स्टाइल में जाके इसको कन्वर्ट कर देना है हेडिंग वन के अंदर और उसको हमें सेंटर में रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर में ये अलाइन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा जूम आउट करते हैं तो देखते हैं बाकी चीज़ों को किस तरह से करना है। और यहाँ पर रिपोर्ट लिखा रहा है, इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देना है, सेल स्टाइल में जाके यहाँ से इसको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में रख के थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देना है। तो उसके बाद इनको सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करना है, सेल स्टाइल में जाके इसको हेडिंग वन में नहीं बल्कि हेडिंग टू में कन्वर्ट कर लें, लेफ्ट राइट सब बॉर्डर सेंटर कर लें, ऑल बॉर्डर कर लें यहाँ से, और इसको क्लिक करके यहाँ से टिक बॉक्स बॉर्डर कर दें, क्लिक करने के बाद ऐसे नजर आएगा। सेलेक्ट करेंगे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक और उसके बाद इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट साइज को जो है बढ़ा देना है, इसका 14 पे कर देना है, ऑल बॉर्डर कर देना है और टिक बॉक्स बॉर्डर कर देना है और यहाँ से क्लिक करके ऐसे रख देना है, ठीक है। लेफ्ट राइट सेंटर कर देना है, चलो यहाँ पे रख लेते हैं। क्लिक करेंगे डेट वाले फॉर्मेट को, तो डेट हमें कैसे दिखाना है, यहाँ से क्लिक करके शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देना है ताकि डोर हमें शॉर्ट डेट में नजर आए। उसके बाद यहाँ पे ये चीज हमने रह गई थी सिलेक्ट करके, इसको रैप टेक्स्ट करना है ताकि डेटा ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाए। उसके बाद जो नंबर्स हैं जो वैल्यूज हैं उनको सिलेक्ट करके यहाँ से कन्वर्ट कर देना है कॉमा स्टाइल में, और देखिए इसको क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर देना है कॉमा स्टाइल में, ठीक है। तो ये इस तरह से नजर आएगा। तो इस तरह से आप ये आइटम सोल्ड एंड परचेज शीट इजिली डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें कौन सा आइटम किस तारीख को खरीदा है, कितनी कीमत में खरीदा और कितने में बेचा है, ये सारी बाकी चीज़ें हम इसको फॉर्मूले के जरिए हल करेंगे, कितना प्रॉफिट लॉस और कितना टोटल आमदनी हुई, कितनी हमारे पे इस पे सेल हुई है। इसके बाद इसको कलर स्कीम देनी है, तो कोई भी अच्छे से कलर स्कीम आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक कर दे दिया फॉन्ट के ऊपर, हमने यहाँ पे कलर दे दिया, क्लिक किया यहाँ पे इसी का एक इसको व्हाइट छोड़ के इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एक हल्का सा लाइट कलर इस तरह का दे दिया। इसके बाद इसको सेलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इसके बाद यहाँ पे कलर स्कीम के तौर पे हमने इसको एक ये वाली कलर दे दिया, सपोज टू बी ये वाला कलर नीचे दे दिया, इसका कलर दोबारा से व्हाइट कर दिया। एंड देन फिर इसके स्ट्रिप्स पर आने के लिए हमने यहाँ से क्लिक करके इसको लाइट वाले पे डाल दिया और ये इस तरीके से दिखाई देने लग गया। तो ये देखें इस तरह से ये आपके सामने मामला चलते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे आपकी आइटम सोल्ड एंड परचेज शीट तैयार हो जाएगी। आप अपने किसी भी कारोबार का हिसाब, कौन सा आइटम किस रेट में खरीदा, किसने बेचा, कितनी क्वांटिटी में, इजीली इस तरह की शीट को बना के इसमें पुटअप कर सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं और ये इस तरह से आपको दिखाई देगा।